सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया ओवरसीज। मेरा नाम है शिप्रा गोयल। आज हम लोग और हमारी पूरी टीम है TMSS मेडिकल कॉलेज बोगरा, जो कि बांग्लादेश में लोकेटेड है। ये जो कॉलेज है ये बोगरा लोकेशन पे आता है, जो कि नॉर्थ पार्ट ऑफ बांग्लादेश है। अगर ढाका से बात करें तो 200 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। अराउंड 4 to 4.5 hours की जर्नी लग जाती है ढाका से। बट जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ये वाया कोलकाता बॉर्डर डायरेक्टली 6-7 hours की जर्नी है डायरेक्ट कोलकाता से, वहाँ से भी ट्रैवल करते हैं। अगर इस कॉलेज की बात करें, ये एक टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बांग्लादेश में आता है। 2008 से यहाँ पे MBBS का कोर्स अवेलेबल है और राजशाही यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर इसके अदर एफिलिएशंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, देन बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, WHO, NMC, नेपाल मेडिकल काउंसिल, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल सबसे एफिलिएटेड है। मतलब यहाँ से MBBS करके आप वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया और नेपाल के स्टूडेंट्स इस कॉलेज में पढ़ने के लिए क्यों आते हैं। पहला कारण ये है कि ये इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश तीनों ही नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आसपास की कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे क्लाइमेट सिमिलर है, देन जो लैंग्वेज बैरियर्स है बहुत कम है, फूड भी सिमिलर है, जिस वजह से जो डिसीज़ का पैटर्न भी सिमिलर है, तो स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत मिलता है। और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। बट अगर आप नेपाल और इंडिया के बजट को कंपेयर करते हो, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। अराउंड आप ये मान के चलिए कि 35 lakhs में ट्यूशन, हॉस्टल और फूडिंग्स कंप्लीट हो जाती है। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें हॉस्टल और फूड का कोई भी अलग से एक्सपेंसेस नहीं है, ये सारा पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, हमने स्टूडेंट से काफ़ी फीडबैक्स लिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इंडियन स्टूडेंट्स की काइंड ऑफ अ फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, जो स्टूडेंट्स को ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि उनको ढाका में ही पढ़ना है, बट अच्छा कॉलेज चाहिए, विद इन बजट चाहिए, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे ये है एकेडमिक बिल्डिंग। एकेडमिक बिल्डिंग जो है वो 5-story बिल्डिंग है, और उधर अगर हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल है, ये 19-story बिल्डिंग हॉस्पिटल है। टोटल 750 बेडेड हॉस्पिटल है, 72,000 स्क्वायर मीटर पे ये कॉलेज एंड हॉस्पिटल बना हुआ है। और स्पेशली अच्छी बात ये है कि मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, देन गर्ल्स हॉस्टल सब कुछ एक ही बिल्डिंग में है, तो स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। लाइब्रेरी में मल्टीपल सेक्शंस है, लाइक बुक्स इशू का अलग सेक्शन है, रीडिंग रूम अलग है, इवन टीचर्स के लिए रीडिंग रूम है, PG स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा कॉलेज है यहाँ पे MD MS की भी सीट्स अवेलेबल है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से सेपरेट रीडिंग सेक्शन अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी एजुकेशन है वो सारा इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स को समझने में इजी रहता है। बट थर्ड ईयर ऑनवर्ड, जबकि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर का पोर्शन, जब आपका पेशेंट से इंट्रैक्शन बढ़ता रहता है, तब आपको थोड़ी बहुत बांग्ला की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बांग्ला एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स समझ भी लेते हैं और बोलना भी आसान है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम लोगों ने गर्ल्स हॉस्टल भी विज़िट किया, बॉयज़ हॉस्टल भी विज़िट किया, स्टूडेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। जब भी इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, स्पेशली गर्ल्स को भेजते हैं, तो उनका एक कंसर्न रहता है सेफ्टी को लेकर। हम लोग खुद हॉस्टल और कैंपस विज़िट किया है, ये एक ट्रस्ट का कॉलेज है, हर चीज़ में सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल में हो स्टूडेंट्स या हॉस्टल में हो, कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन एंटर नहीं कर सकता। तो जिससे कि स्टूडेंट्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। FMG पासिंग रेशियो बहुत हाई है। जो स्टूडेंट, देखिए बांग्लादेश की मेडिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी, अगर मैं कहूँगी कि अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो पास नहीं हो पाओगे, बट अगर आप थोड़ा भी एफर्ट करोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप ज़रूर पास हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी है। जैसे आज का टॉपिक कोई स्टूडेंट्स टीचर्स ने क्लास में पढ़ाया है, हर दूसरे दिन में वाइवा होता है, फिर हर वीक में रिटन एग्जामिनेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स बहुत होती है, जिसकी वजह से आपको हमेशा पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट क्योंकि आप अगर पढ़ाई करेंगे तो FMG जो पासिंग रेशियो है वो बहुत हाई हो जाती है, इसमें आप ही का बेनिफिट होता है। अगर आपको और भी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जानकारी चाहिए तो मेडिपीडिया की टीम है जो बाकी और कॉलेजेस भी एक्सप्लोर कर रही है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको राइट कॉलेज, राइट कंट्री एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं, सो दैट आप अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें।